फ्रेंड, आज का आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास रेनॉल्ट कंपनी की डस्टर गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देख सकते हैं, देखिए का जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे या गाड़ी स्टार्ट कीजिए, मत कीजिए, इंजन ऑन करने के बाद देखिए हमने हेडलाइट ऑन किया है। देखिए हमारा हेडलाइट ऑन हो रहा है, देखिए। लेकिन जो इसका ये अपर डिपर है, ये देखिए, ये अपर डिपर का जो काम है ये हमारा स्विच नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारा अपर डिपर उधर नहीं हो रहा है, देखिए सामने आप, ये देखिए दिख रहे हैं, अपर डिपर हमारा काम नहीं कर रहा कुछ भी। तो फ्रेंड, ये जो लीवर है ये जाम हो गया है, तो हम इसको चेक करेंगे कि हमारा हेडलाइट का अपर डिपर का काम क्यों नहीं कर रहा है। और इसको हम ये जो हेडलाइट का स्विच है इसे आप ओपन किस तरह करेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड, एक कवर है ऊपर का, ये इधर का, ठीक है। ये सबसे पहले तो आप इधर का ऊपर का कवर निकाल लीजिएगा। एक ऊपर कवर है, एक नीचे कवर है जो हमने ओपन किया है। ये देखिए ये दो कवर है ऊपर नीचे का, तो आपको इसको सबसे पहले ओपन करना है। इस प्रकार से बैठता है फ्रेंड, ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कवर ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद से आपको एक सॉकेट निकालना है इसका, हेडलाइट का, देखिए सॉकेट है, ठीक है। इसको इधर नीचे से प्रेस करके और इस तरह से आपको निकालना है। ये देखिए ये इसका सॉकेट है, ठीक है। ये सॉकेट ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको ये दो स्क्रू ओपन करना है। दो स्क्रू ओपन करेंगे, ये वाला, ये देखिए, ये दो जो हेडलाइट का स्विच का दिख रहा है, ये देखिए इसका हेडलाइट का, ये दो स्क्रू ओपन करेंगे तो आपका हेडलाइट का जो स्विच है बाहर आ जाएगा। देखिए हम ओपन करके दिखाते हैं, देखिए इस प्रकार से आपका ये स्विच जो है आसानी से बाहर आ जाएगा। देखिए ये, देखिए ये आपका स्विच बाहर आ गया, ठीक है फ्रेंड। ये तो देखिए सब हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, WD-40 मारो के चेक करते हैं। अगर ये फ्री हो जाएगा या काम करने लगेगा तो इसको हम फिट कर देंगे, और नहीं तो इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने आपको ओपन करने का तरीका बताया है कि आपको अगर कभी हेडलाइट का स्विच ओपन करना रहेगा तो किस तरह आप ओपन करिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे कवर निकालिएगा, इधर से दो स्क्रू ओपन करिएगा, ये देखिए इधर दो स्क्रू है, ये ओपन करेंगे और ये सॉकेट ओपन करिएगा। एक नीचे भी सॉकेट दिया है, ये वाला रेड कलर का, ये देखिए इधर लगता है ये वाला। ये दोनों सॉकेट ओपन करके इसको आसानी से बाहर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था कि हेडलाइट का स्विच किस तरह ओपन करे, ठीक है। तो ये हमने आपको ओपन करने का तरीका बताया है, तो हम इसमें नया स्विच रिप्लेस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन स्विच में हेडलाइट का जो स्विच है इसमें प्रॉब्लम है डंडी में। देखिए अपर डिपर का जो है ये काम नहीं करता है, नीचे साइड जाम है। तो फ्रेंड हमने इसको चेक किया है, रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमने इसका नया स्विच अरेंज किया है। ये देखिए इसका नया स्विच है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हेडलाइट का जो लीवर है इसको हम नया डालने वाले हैं। ये इसका जूना वाला है, ये नया वाला हम फिट करते हैं, फिट करके चेक करते हैं जो हमारा हेडलाइट का प्रॉब्लम था अपर डिपर का वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो आपको हम फिटिंग करने का भी तरीका बताएंगे, ओपन करने का आपको तरीका बताए थे, फिटिंग करने का भी बताएंगे। देखिए इसमें दो स्क्रू है फ्रेंड, ये देखिए, आपको दोनों स्क्रू टाइट करना है। ठीक है फ्रेंड, ये हमने इसका दोनों स्क्रू टाइट कर दिया है। अब इसका जो सॉकेट है मेन, वो सॉकेट लगाएंगे। देखिए इधर पीछे सॉकेट है, ये हमारा सॉकेट लग गया है, एक और सॉकेट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर और नीचे का दोनों सॉकेट भी लग गया,
ये दोनों स्क्रू भी लग गया। अब हम इग्निशन ऑन करेंगे और चेक करेंगे हमारा जो हेडलाइट का प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये सबसे पहले तो हमने हेडलाइट चालू किया है, ठीक है, मेन जो आता है। ये देखिए, अब हम अपर डिपर चेक करेंगे। देखिए, ये देखिए, हमारा जो अपर डिपर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। देखिए, और आप देख भी सकते हैं डंडी कितना फ्री है। देखिए, ये देखिए, ये अपर, ये डिपर, ये देखिए, ये खास से हमारा काम कर रहा है। इसमें क्या फ्रेंड क्या प्रॉब्लम था, अपर डिपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, नीचे का साइड एकदम हार्ड हो गया है खाली। देखिए, अपर में भी एकदम हार्ड है। ये देखिए, डिपर तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। ये पूरी तरह से जाम हो चुका था तो हमने इसमें डंडी को रिप्लेस कर दिया है। फ्रेंड, इसमें एक और पॉइंट वाली बात है, कभी भी आप ये जो लीवर है अगर एक्सचेंज करते हैं तो आप अगर इग्निशन सिर्फ ऑन किए हैं और सोचेंगे कि आपका इंडिकेटर चालू हो। देखिए, हमने इंडिकेटर डाला है, देखिए बाहर इंडिकेटर जल नहीं रहा है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या है, आपको गाड़ी स्टार्ट करके ही इंडिकेटर इसका चेक करना पड़ता है। देखिए, हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ही इसका इंडिकेटर काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, हमने गाड़ी स्टार्ट किया है, अब ये देखिए हमने इंडिकेटर डाला, वो देखिए आगे काम कर रहा है, देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड का है, अभी हम राइट साइड का डालते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा इंडिकेटर भी बराबर है। तो ये हमारा जो स्विच था, ये जो हेडलाइट का जो डंडी आता है हमने रिप्लेस कर दिया। हेडलाइट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। या वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।